राधे राधे जी, पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री गणेश जी की दो पत्नियाँ रिद्धि सिद्धि व दो पुत्र शुभ लाभ बताए गए हैं। जहाँ भगवान श्री गणेश जी विघ्न हरता हैं, तो उनकी पत्नियाँ रिद्धि सिद्धि यशस्वी वैभवशाली व प्रतिष्ठित बनाने वाली हैं। वही शुभ लाभ हर सुख सौभाग्य देने के साथ उसे स्थायी और सुरक्षित रखते हैं। कार्तिक शुक्ल पंचमी को लाभ पंचमी के रूप में मनाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लाभ पंचमी से जुड़ी कथाएं व मंत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए कहिए और लिखिए जय गणेश देवा की, जय देवी रिद्धि सिद्धि की, जय शुभ लाभ की। भगवान श्री गणेश जी को देवों में सर्वप्रथम पूज्य बुद्धि के देवता माने गए हैं। स्वस्तिक बुद्धि को प्रस्तुत करने का पवित्र चिन्ह है। स्वस्तिक की दोनों अलग अलग रेखाएं गणपति जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि को दर्शाती है। रिद्धि शब्द का अर्थ है बुद्धि और सिद्धि का अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति। जब बुद्धि और ज्ञान का मिलन होता है तो वह शुभ प्रद होता है, अर्थात श्री गणेश जी बुद्धि के देवता और देवी रिद्धि ज्ञान की देवी, इनके पुत्र हैं शुभ। और बुद्धि और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का मिलन लाभ प्रद होता है, अर्थात श्री गणेश जी बुद्धि के देवता व देवी सिद्धि आध्यात्मिक शक्ति, उनके पुत्र हैं लाभ। इस प्रकार स्वस्तिक का पवित्र चिन्ह भगवान श्री गणेश जी को दर्शाता है। स्वस्तिक के बगल में दो सीधे लकीरें रिद्धि सिद्धि देवियां को दर्शाते हैं और स्वस्तिक के दाएं बाएं तरफ शुभ लाभ लिखा जाता है। यह संपूर्ण चिन्ह भगवान श्री गणेश जी के परिवार को दर्शाता है। भगवान श्री गणेश जी के पूजन में इस प्रकार स्वस्तिक का पवित्र चिन्ह बनाकर पूजन करें, इससे सभी के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। स्वस्तिक को सिंदूर, अक्षत, केसरी चंदन तथा दूर्वा अर्पित करें और अपने समस्त कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात इन मंत्रों का उच्चारण करके धूप दीप से आरती करें और मोदक का भोग लगाएं। मंत्र इस प्रकार है, श्री गणेश जी का मंत्र ओम गण गणपतये नमः। रिद्धि मंत्र ओम हेम वर्णायै रिद्धयै नमः। सिद्धि मंत्र ओम सर्व ज्ञान भूषितायै नमः। शुभ मंत्र ओम पूर्णाय पूर्णमदाय शुभाय नमः। लाभ मंत्र ओम सौभाग्य प्रदाय धनधान्य युक्ताय लाभाय नमः। प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी की पूजा हर शुभ कार्य करने से पहले की जाती है। विवाह जैसे शुभ कार्यों की पूजा पाठ में सभी देवताओं के बीच श्री गणेश जी का स्थान प्रथम होता है। बात जब उनके विवाह की होती है तो बड़ी अजीब संयोग के साथ श्री गणेश जी का विवाह हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री गणेश जी ब्रह्मचारी रहना चाहते थे। दैव योग से ऐसे संयोग बने कि उनका ब्रह्मचारी रहने का संकल्प तो टूटा ही, उनका एक नहीं दो स्त्रियों से विवाह हुआ और वे हैं रिद्धि सिद्धि। आइए जानते हैं कैसे बनी रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी की पत्नी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री गणेश जी तपस्या कर रहे थे, तभी वहां से तुलसी मैया जी गुजरती हैं और उन्हें देखकर मोहित हो जाती हैं। तुलसी जी गणेश जी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन श्री गणेश जी ने ब्रह्मचारी बताकर उनके विवाह प्रस्ताव को नकार दिया। विवाह प्रस्ताव ठुकराने के कारण कुपित तुलसी जी ने शाप दिया
कि उनके एक नहीं बल्कि दो दो विवाह होंगे। इस पर श्री गणेश जी ने भी तुलसी जी को शाप दे दिया कि आपका विवाह एक असुर से होगा, इसलिए भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। वहीं दूसरी कथा यह है कि भगवान श्री गणेश जी इसलिए ब्रह्मचारी रहना चाहते थे कि वे अपनी काया से क्रुद्ध थे। उनका पेट निकला हुआ था, उनका मुख हाथी का था, इसलिए उनसे कोई विवाह नहीं करना चाहता था। इस बात से क्रुद्ध श्री गणेश जी जहाँ भी विवाह होता था वहाँ विघ्न डाल देते थे ताकि विवाह ना हो सके। उन्हें ऐसा लगता था कि उनका विवाह नहीं हो पा रहा है तो वे किसी का भी विवाह नहीं होने देंगे। उनकी इस काम में मूषक वाहन भी साथ देता था। उनकी इस आदत से देवी देवता काफी परेशान थे। वह अपनी परेशानी लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी के योग से दो कन्याएं रिद्धि और सिद्धि प्रकट हुई। दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थीं। ब्रह्मा जी दोनों पुत्रियों को लेकर श्री गणेश जी के पास पहुंचे और उन्हें शिक्षा देने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे दोनों को शिक्षा देने लगे। जब गणेश जी के पास किसी के विवाह की सूचना आती थी तब रिद्धि और सिद्धि उनका और भूषक का ध्यान भटका देती थी। इस प्रकार धीरे धीरे से सभी के विवाह होने लगे। एक दिन श्री गणेश जी को सारी जानकारी मिल गई कि सभी के विवाह बिना किसी विघ्न के हो गए। इससे श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि पर क्रोधित हो गए और शाप देने लगे। तभी ब्रह्मा जी आते हैं और शाप देने से रोक देते हैं। तब ब्रह्मा जी श्री गणेश जी से रिद्धि सिद्धि से विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। इसके बाद दोनों का विवाह बहुत धूमधाम से होता है। इसके बाद दो पुत्र होते हैं जिनका नाम शुभ और लाभ है। भक्तों, यह है आज की प्रस्तुति। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस, कथाएं और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री गणेश देवा की, जय देवी रिद्धि सिद्धि की, जय शुभ लाभ की।